नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 मई दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्टेनोग्राफर के पद पर बंपर वैकेंसी। संजय करोल ने जातीय जनगणना पर सुनवाई से खुद को किया अलग। बिहार के दो व्यक्ति स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। अब पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर मोबाइल चलाना पड़ सकता है महंगा। हैदराबाद के खिलाफ आज बैंगलोर का अहम मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेनोग्राफर के पद पर बंपर वैकेंसी। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेनोग्राफर के कुल 232 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। अब पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर मोबाइल चलाना पड़ सकता है महंगा। कई बार हम अपने आसपास देखते हैं कि कई पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी के दौरान भी अपने फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं। बता दें कि अब ऐसे पुलिसकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पुलिस मुख्यालय के सामने कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें पुलिसकर्मी के द्वारा फोन का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर ड्यूटी वर्दी या हथियार से जुड़ी जानकारी साझा की जा रही है। इन्हीं मामलों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वैसे पुलिस वाले जो ड्यूटी के दौरान फोन का इस्तेमाल करते हैं या नियम का उल्लंघन करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि कार्रवाई किए जाने से पहले पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका दिया जाएगा। वहीं मुख्यालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि किसी विशेष परिस्थिति में पुलिसकर्मियों के द्वारा फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिहारी बोलते हैं स्पेशल में आज हम बात करेंगे विकास कुमार के बारे में। विकास कुमार का जन्म आज ही के दिन 1977 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और संवाद कोच है। उन्हें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में एसीपी खान के रूप में नामांकित, आर्या, सीआईडी में वरिष्ठ निरीक्षक रजत, हामिद में अभय, परमाणु में मेजर प्रेम, पोखरण की कहानी, YRF टीवी के खोटे सिक्के और डायलॉग कोच के रूप में उनके काम के लिए जाने जाते हैं। 2004 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा द लेजेंड ऑफ राम, प्रिंस ऑफ इंडिया के कलाकारों और चालक दल के साथ विकास कुमार को सम्मानित किया गया था। उन्होंने एक लघु फिल्म सोंसी भी बनाई जिसके लिए उन्होंने बेंगलुरु इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके साथ इस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी और लेडी फिल्म मेकर्स फेस्टिवल बेवरली हिल्स में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म घोषित किया गया। संजय करोल ने जातीय जनगणना पर सुनवाई से खुद को किया अलग। बीते दिन बिहार में शुरू की गई जातीय जनगणना से जुड़ी सुनवाई की जानी थी और यह पक्का किया जाना था कि जातीय जनगणना से रोक हटेगी या नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ गई कि इस मामले से जुड़े न्यायाधीश जो सुनवाई करने वाले थे उन्होंने उस मामले से खुद को अलग कर लिया है। यानी कि न्यायाधीश संजय करोल ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया गया है। हालांकि ऐसा करने की वजह भी उनके द्वारा बताई गई है। बता दें कि उन्होंने खुद को इस मामले से अलग करते हुए कहा कि जब इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो वह पहले से इससे संबंधित कुछ मुकदमों में पक्षकार थे, इसलिए अब वह सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में हो रहे जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा 3 जुलाई तक रोक लगा दी गई है और साथ ही कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को सभी डाटा सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया था। BCECB ने DCEC के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि BCECEB के द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि DCECE 2023 के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अब तक DCECE के लिए आवेदन नहीं किया है वे 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DCECE के लिए आवेदन करने से आप पॉलिटेक्निक अभियंत्रण, पारामेडिकल इंटर स्तरीय और पारामेडिकल माध्यमिक स्तरीय में प्रवेश पा सकते हैं। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए BCECEboard.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 मई तक निर्धारित की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 22 मई कर दी गई है। वहीं अगर आवेदन में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो अभ्यर्थी 14 और 25 मई को सुधार कर सकते हैं। बिहार के ये दो व्यक्ति स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रनाथ संक्रमण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 7 जून से बर्लिन जर्मनी में आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के भी 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बता दें कि बिहार के जिन 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है वे गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार है। मालूम हो कि गजेंद्र कुमार एथलेटिक्स का तो वही सिंटू कुमार हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही एथलेटिक गेम के कोच के रूप में संदीप कुमार का चयन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता में भारत से कुल 200 खिलाड़ियों और 60 कोच का चयन किया गया है। भारी मात्रा में एटीएम कार्ड के साथ फ्रॉड गिरफ्तार। इन दिनों राज्य में ठगी गिरोह काफी सक्रिय हो गया है। आए दिन हमें खबर सुनने को मिलती रहती है कि किसी ठग के द्वारा एटीएम कार्ड से लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया गया है। ऐसे में बीते दिन जहानाबाद टाउन पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल जहानाबाद टाउन पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए जहानाबाद से एटीएम कार्ड से फ्रॉड करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यह कार्रवाई पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, लेकिन इस दौरान पुलिस के हाथों एक ठग भागने में सफल रहा, जिस वजह से केवल एक ठग की ही गिरफ्तारी की जा सकी। मालूम हो कि गिरफ्तार किया गया युवक गया जिले के वजीरगंज का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस को भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और नकद बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा आरोपी की बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूरी जानकारी जुटाने का काम कर रही है। जेपी गंगा पथ का विस्तार 2 चरणों में होगा पूरा। बहुत जल्दी जेपी गंगा पथ का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि जेपी गंगा पथ का विकास कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसके पहले चरण के तहत दिघा से शेरपुर के बीच करीब 3100 करोड़ रुपए की लागत से 11.5 किलोमीटर और फिर दूसरे चरण के तहत दीदारगंज से बख्तियारपुर के बीच करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 35 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिघा से शेरपुर के बीच बनाए जाने वाले एलिवेटेड रोड के लिए बीएसआरडीसी की ओर से पीपीआर तैयार कर लिया गया है। वहीं दीदारगंज से बख्तियारपुर के बीच हाईवे निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार किया जा रहा है। मालूम हो कि 11.5 किलोमीटर और 35 किलोमीटर सड़क के निर्माण हो जाने के बाद जेपी गंगा पथ की कुल लंबाई 67 किलोमीटर हो जाएगी और इसके साथ ही 4 गंगा ब्रिज को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें शेरपुर दिघवाड़ा जेपी सेतु महात्मा गांधी सेतु और कच्ची दरगाह विद्युपुर शामिल है। पुलिस थाना और इकाइयों के लिए 576 वाहनों को सीएम नीतीश ने दिखाई हरी झंडी। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक अन्य मार्ग से राज्य के पुलिस थानों एवं पुलिस मुख्यालय की विभिन्न इकाइयों के लिए 576 पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया गया और हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया गया। बता दें कार्यान्वयन के दौरान 576 पुलिस वाहनों में से सभी थानों के लिए 528 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की विभिन्न वाहिनियों के लिए 34 एवं बिहार पुलिस मुख्यालयों की विभिन्न इकाइयों के लिए 14 पुलिस वाहनों को रवाना किया गया। मालूम हो कि इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग की कार्य क्षमता एवं दक्षता और बढ़ेगी, साथ ही विधि व्यवस्था के संचरण में भी सहूलियत मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस अवसर पर वित्त वाणिज्य एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुभानी समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद दोबारा एडमिशन लेना होगा आसान। वैसे व्यक्ति जो हायर एजुकेशन में एडमिशन ले चुके हैं लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, लेकिन अब वे चाहते हैं कि अब वे एक बार फिर से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, तो ऐसे लोगों को अपनी पढ़ाई की फिर से शुरुआत करने में या एडमिशन लेने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए UGC के द्वारा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में कुछ बदलाव किया गया है। बता दें कि UGC के द्वारा किए गए इस बदलाव के तहत अब यह फ्रेमवर्क ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक लागू रहेगा और इसके साथ ही अब 4.5 से लेकर 8 लेवल कर दिया गया है। बता दें कि नए बदलाव को लेकर देश भर के सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति और कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ 25 मई को एक ऑनलाइन मीटिंग भी आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि वैसे स्टूडेंट जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं अब वह अपने साथ कुछ क्रेडिट लेकर जाएंगे, जो कि उन्हें दोबारा एडमिशन लेने में मदद करेगा। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे चंद्रधारी संग्रहालय के बारे में। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह संग्रहालय दरभंगा जिले में दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। संग्रहालय के बाहर एवं अंदर बहुत सारी वस्तुएं देखने के लिए मिलती है, जो प्राचीन, धार्मिक और प्राकृतिक है। यहाँ पर आपको संग्रहालय के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा देखने के लिए मिलता है, जिसमें पत्थर की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है। यहाँ पर रामायण की बहुत सारी कहानियों को दिखाया गया है और बिहार के प्रमुख लोगों को दिखाया गया है और उनके बारे में जानकारी भी लिखी गई है। संग्रहालय के अंदर आपको कृष्ण लीला की तस्वीरें, ब्रास धातु से बने हुए स्टैचू, दुर्गा, शिव, सूर्य, विष्णु भगवान जी की सुंदर प्रतिमा, बुद्ध भगवान जी की प्रतिमा, कीमती पत्थर, युद्ध में उपयोग किए गए हथियार, सिक्के, कांच से बना हुआ सामान,
देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी भी है जहाँ पर आपको पुस्तकें पढ़ने के लिए मिलती है। संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई थी। इस संग्रहालय में चंद्रधारी सिंह जी के द्वारा दी गई वस्तुओं का संग्रह देखने के लिए मिलता है, इसलिए संग्रहालय का नाम बदलकर चंद्रधारी संग्रहालय कर दिया गया। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सरकार की ओर से दी जाती है इतनी छात्रवृत्ति। बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रत्येक वर्ष कुछ राशि प्रदान की जाती है। बता दें कि इस बात की जानकारी IPRD बिहार के द्वारा एक पोस्ट शेयर करके दी गई है। उनके द्वारा शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार वैसे छात्र जो कक्षा 1 से लेकर 4 तक में पढ़ते हैं उन्हें सरकार की ओर से 600 रुपये प्रतिवर्ष दी जाती है। वहीं कक्षा 5 से 6 तक के छात्रों को 1200 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को 1800 रुपये प्रतिवर्ष और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावासी छात्र को 3000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। बता दें कि इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। बिहार में मौसम फिर लेगा करवट। पिछले 3 दिनों से उत्तर बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। उत्तर बिहार के 19 जिलों में तापमान में गिरावट आई है। कई जिलों में बारिश भी होने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 18 और 19 मई को पूरे प्रदेश में हल्की और मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है, साथ ही मेघ गर्जन की भी संभावना है। हालांकि दक्षिण बिहार के 19 जिलों में आज भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दक्षिण बिहार के जिलों में गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक ट्रफ रेखा उत्तर बिहार से मध्य छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। उसके तहत 20 मई तक पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन आंधी पानी का प्रभाव बना रहेगा। इन मौसमी प्रभावों को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। रणदीप हुड्डा के साथ बिहार की बेटी आयशा एस एमन दिखाएंगी अपना अभिनय। बहुत जल्दी बिहार की बेटी आयशा एस एमन रणदीप हुड्डा अभिनीत नई वेब सीरीज में अभिनय करते नजर आने वाली हैं। बता दें कि यह वेब सीरीज दरोगा अविनाश मिश्रा की कहानी पर आधारित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वेब सीरीज का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जो कि लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वेब सीरीज जियो सिनेमा पर दर्शकों के लिए 18 मई यानी कि आज जारी किया जाने वाला है। मालूम हो कि इस वेब सीरीज के राइटर और डायरेक्टर नीरज पाठक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले आयशा एस एमन दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म इंडिया लॉकडाउन में कमाठी पूरा की वर्कर का किरदार निभाती नजर आई थी। वहीं आने वाले समय में आयशा एस एमन इस वेब सीरीज के अलावा सॉन्ग बीबा में भी नजर आने वाली हैं। बिहार के 8 केंद्रों पर जांची जाएंगी आज से मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा की कॉपियां। आज यानी कि 18 मई से राज्य के 8 केंद्रों पर मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा की कॉपियों की जांच की शुरुआत की जाएगी, जो कि 21 मई तक जारी रहेगी। बता दें कि इसको लेकर उन जिलों के DEO को निर्देश दे दिया गया है जहां कॉपियों की जांच की जानी है। मालूम हो कि राज्य के जिन जिलों में इन 8 केंद्रों को बनाया गया है उनमें मुजफ्फरपुर समेत दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, नालंदा, रोहतास और गया शामिल है। बता दें कि जिले के एक केंद्र तिरहुत एकेडमी स्कूल में कॉपियों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही इन कॉपियों की जाँच को लेकर जिलों के मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत विषयवार शिक्षकों में से आवश्यकता अनुसार नियुक्ति कर दी गई है। नए शिक्षक बहाली नियमावली को लेकर माध्यमिक शिक्षा संघ का सरकार को चेतावनी। जब से कैबिनेट की बैठक में बिहार की नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर लगी है, तब से लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ इस नई नियमावली को लेकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा गया कि अगर नियोजित शिक्षकों के द्वारा कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं अब इस मामले को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद रहे CPI के नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा विरोध किया गया और कहा गया कि दीपक कुमार को पहले देश का संविधान पढ़ना चाहिए। हम लोग इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सरकार को हम शिक्षकों को बिना शर्त के राज्य कर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले से निर्धारित तारीख के अनुसार हम सभी 20 मई को पूरे राज्य के प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और 22 मई को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद मानसून सत्र में विधानसभा का भी घेराव करेंगे और यह आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। दीपक कुमार ने जो लेटर जारी किया है उसे वापस लेना होगा। बिहार में मानसून की देरी किसानों के लिए बनी आफत। बिहार में इस बार मानसून थोड़ी देर से आने वाली है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून 1 जून के बजाय 4 जून को दस्तक दे सकती है। मालूम हो कि सामान्य तौर पर मानसून 1 जून को केरल में दस्तक दे देती है, लेकिन इस बार मानसून 4 जून को दस्तक दे सकती है, जिसका असर न केवल केरल बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी पड़ेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, केरल में मानसून के दस्तक देने के एक हफ्ते बाद मानसून का प्रवेश सामान्य रूप से बिहार में भी हो जाता है। ऐसे में अगर केरल में मानसून देर से दस्तक दे रही है तो बिहार में भी मानसून देर से ही दस्तक देगी, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से सामूहिक नलकूप योजना के तहत किसानों को 80% का अनुदान दिया जाएगा, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन देना होगा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा ने की बाबा बागेश्वर से मुलाकात। बीते दिन बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत पाठ का आखिरी दिन था। इसी बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने के लिए भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी उनके पास पहुंचे थे। बता दें कि इस दौरान अभिनेत्री अक्षरा सिंह के द्वारा बाबा को एक भजन गाकर भी सुनाया गया, वहीं बाबा भी मन लगाकर उनके गीत को सुनते दिखाई दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेत्री के द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यह वीडियो साझा किया गया है, जिसमें वह बाबा के सामने गाना गाती नजर आ रही हैं। वह इस पोस्ट को शेयर करते हुए अक्षरा सिंह ने यह लिखा है कि जिनको दुनिया सुनने के लिए बेताब है, उन्होंने मुझे सुन लिया, बहुत बड़ी बात है, बागेश्वर बाबा की जय। बता दें कि शेयर किए गए वीडियो में बाबा के पास केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बैठे नजर आ रहे हैं। शराब ढूंढने वाले गायब हुए ड्रोन को लेकर मद्य निषेध मंत्री का बयान। कुछ दिनों पहले बिहार सरकार का 60 लाख का ड्रोन जो शराब ढूंढने का काम करता था वह गायब हो गया था और अब तक उस ड्रोन का पता पुलिस भी नहीं लगा पाई है। वहीं ड्रोन के लापता होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई थी और बीजेपी के द्वारा लगातार बिहार सरकार पर इस मामले को लेकर तंज कसा जा रहा था। वहीं अब इसका पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार के द्वारा कहा गया है कि अभी तक जो सूचना मिली है उसके आधार पर ड्रोन की तलाशी जारी है। उन्होंने बताया कि ड्रोन के गायब होने के पीछे का कारण तकनीकी वजह है, पुलिस भी जांच कर रही है और जैसे ही इससे जुड़ी कोई रिपोर्ट आती है इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जो ड्रोन की तरह सीएम की कुर्सी गायब होने का बयान दे रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। सच्चाई है कि यहां महागठबंधन की सरकार अच्छी से चल रही है, इसलिए उन्हें बेचैनी हो रही है। राष्ट्रीय लोक जनता दल ने जारी की प्रदेश पदाधिकारियों की सूची। बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करते हुए बताया गया कि पार्टी की ओर से सामाजिक समीकरण के आधार पर प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला एवं सवर्ण समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा घोषित किए गए प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में 76 उपाध्यक्ष, 111 महासचिव एवं 67 सचिव के नाम की घोषणा की गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पटना पहुंचेंगे आरसीपी सिंह। आज यानी कि गुरुवार को जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बिहार की राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं। बता दें कि उनके आने की खुशी में और पहली बार भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचने को लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके लिए जमकर तैयारियां की गई है। बता दें कि उनके आगमन को लेकर पटना एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय के रास्ते तक में जगह जगह पर आरसीपी सिंह के होर्डिंग, बैनर और झंडा लगाए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम खबर यह है कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष और शिक्षाविद डॉक्टर कन्हैया सिंह आज अपने समर्थकों के साथ आरसीपी सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। हैदराबाद के खिलाफ आज बेंगलोर का अहम मुकाबला। आज आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 65वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाना है। बता दें कि आज के इस मैच में बैंगलोर के लिए हैदराबाद के खिलाफ जीत बेहद जरूरी है, क्योंकि इस जीत से आरसीबी को प्लेऑफ की ओर एक कदम आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल 2023 में पहली बार एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। मालूम हो कि पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, वहीं हैदराबाद अपनी पिछली मैच हार कर आ रही है। वहीं आरसीबी को ये जीत बेहद जरूरी है, लेकिन हैदराबाद को उसके घर में हराना इतना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह से ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। 1912 में आज ही के दिन पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई। पार्श्व गायक नितिन मुकेश को 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। 1974 में आज ही के दिन राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु बम परीक्षण के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को 2008 में उनकी किताब एनिमल पीपुल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर एस जगन्नाथ का जन्म 1914 में हुआ। भारत के 12वें प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा का जन्म 1933 में हुआ।
भारत सरकार में पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अनिल माधव दवे का निधन 2017 में हुआ। आज के दिन को पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस और संग्रहालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पालघर में आज हम बात करेंगे द ऑफिशियल SBI के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। जिक्र में आज हम बात करेंगे द ऑफिशियल SBI के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक नकली संदेश प्रतिरूपण कर रहा है। द ऑफिशियल SBI दावा करता है कि संदिग्ध गतिविधि के कारण प्राप्तकर्ता का खाता अस्थायी रूप से लॉक कर दिया गया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अपना बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए कहने वाले ईमेल SMS का कभी भी जवाब न दे। ऐसे संदेशों की तुरंत report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें। WhatsApp पर मिलना शुरू हुआ एडिट बटन फीचर। मेटा लगातार अपने प्लेटफॉर्म पर रोज नए नए फीचर्स को ऐड करते रहता है। एक ऐसा फीचर को टेलीग्राम 2016 में ही पेश कर दिया था, अब वो WhatsApp पर बहुत जल्द आने वाला है। नया फीचर फिलहाल कुछ बीटा टेस्टिंग यूजर्स के लिए उपलब्ध है। WhatsApp का एडिट मैसेज फीचर का इस्तेमाल किसी भेजे गए मैसेज को एडिट करने में किया जा सकता है। WA Beta Info की एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp मैसेज एडिट बटन फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध हो गया है। कंपनी ने इसे ग्लोबली बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स के लिए एडिट बटन का रोल आउट शुरू कर दिया है। WhatsApp ने इस हफ्ते की शुरुआत में एडिट फीचर को WhatsApp वेब पेश किया था। अब कंपनी इसे एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी ला रही है। बीते दिन मदर पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने मदर पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, कृष्ण कुमार यादव, नीकू सिंह राजपूत, विनय राज, नुनू गोलू कुमार, योगेंद्र रजक, बीरसेन कुमार पासवान, रीना कुमारी, अदनान खन्ना, आरके कश्यप, हरिंद्र कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, समर सिंह, रूपेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या बागेश्वर बाबा के बिहार आने से 2024 लोकसभा चुनाव में BJP को फायदा होगा या नहीं? अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे BI News। साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।